मिडिल क्लास को लोन की ईएमआई पर 3 महीने की छुट्टी मिल सकते, ये ऑप्शन। लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी मंद पड़ गई है, इस हालात का आम लोगों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए आरबीआई की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। उदाहरण के लिए रेपो रेट में कटौती, लोन और ईएमआई का बोझ कम करने की कोशिश की गई। वही बैंकों को हर महीने लोन ईएमआई देने वाले ग्राहकों को भी राहत के संकेत मिले हैं। दरअसल आरबीआई ने बैंकों से लोन की ईएमआई दे रहे हैं, लोगों को 3 महीने की राहत की सलाह दी गई है। आसान भाषा में समझे तो अब गेंद बैंकों के पाले में है, बैंकों को तय करना है कि वो आम लोगों को ईएमआई पर छूटी दे रहे हैं या नहीं। अगर बैंकों ने आरबीआई की सलाह को अमल में लाया तो ये उम्मीद है कि अगले 3 महीने तक आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस अवधि की ईएमआई को माफ़ कर दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक बैंक 3 महीने की अवधि ख़त्म होने के बाद वसूली करेंगे। ऐसे में सवाल है कि 3 महीने के बाद आम लोगों पर अचानक ईएमआई का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इस सवाल के जवाब में फाइनेंशियल प्लानर तारेश भाटिया बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये संभव है कि बैंक आपकी मासिक किस्त बढ़ा दे। इसके अलावा आपको टेन्योर के कुछ महीने का विकल्प भी बढ़ाने मिल सकता है। वह ग्राहकों के सामने बैंक एक खास डेडलाइन तक वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प भी रख सकते हैं। यह डेडलाइन 6 से 9 महीने तक की हो सकती है। मतलब यह है कि आपको एक खास समय तक एक मुश्त पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। बता दें कि सभी बैंकों को तय करना है कि वो कौन से ईएमआई पर छुट्टी दे रहे हैं। मतलब ये कि रिटेल, कमर्शियल या अन्य तरह के लोन लेने वाले लोगों के लिए अब भी एक तरह का कंफ्यूजन बना हुआ है। लोन लेने से पहले फाइनेंस कंपनी के पास जानकारी ले लें और ऐसी न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।